मनरेगा व निर्माण मजदूरों ने सचिवालय घेरा, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीटों से संबंधित मनरेगा व निर्माण मजदूर फेडरेशन के आह्वान पर हजारों मजदूरों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ शिमला में उग्र प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिलों से आए मजदूरों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। हजारों मजदूर सुबह टोलेंट चौक पर एकत्रित हुए और वहां से नारे लगाते हुए छोटा शिमला स्थित सचिवालय की ओर विरोध जुलूस निकाला गया। मजदूरों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन किया और पुलिस के रोकने पर सड़क पर बैठकर 2 घंटे तक धरना दिया और जनसभा आयोजित की। इसके बाद यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री धनीराम शांडिल से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि मजदूरों के रोके गए आर्थिक लाभ को तुरंत जारी कर दिया जाए। इस बाबत 1 सप्ताह के भीतर कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित करके उचित निर्णय लिया जाएगा। फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर कुमार एवं महासचिव भूपेंद्र सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने अपने शपथ ग्रहण से अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर 2022 को अधिसूचना के माध्यम से मनरेगा मजदूरों के लाभ रोक दिए हैं और 8 फरवरी को जारी एक गैर कानूनी अधिसूचना के बाद भवन निर्माण मजदूरों का पंजीकरण व नवीकरण भी रोक दिया है, जिसके चलते पिछले 6 महीने से बोर्ड का काम पूर्ण रूप से बंद है।